गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास विल बी स्टार्ट फाइलम पोरिफेरा इन द टॉपिक ऑफ साइफा आर साइकन। छात्रों, आपका ऑनलाइन क्लास शुरू किया गया है और ऑनलाइन क्लास कोरोना वायरस की वजह से स्टार्ट किया गया, जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा है क्लासेस, और आपको वीडियो भी अच्छा लग रहा है और वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं। पीडीएफ फाइल के द्वारा जो है आपको नोट्स भी अवेलेबल है, जब चाहे तब आप उस नोट्स को जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक तरीके से हम आपको कल पिछले क्लास में फाइलम पोरिफेरा के सामान्य लक्षण और क्लासिफिकेशन बताए थे, आज हम आपको साइकान आर साइफा के जो है मार्फोलॉजी को लेके आए हैं कि मार्फोलॉजी में कैसे हम एक्सटर्नल मार्फोलॉजी को दिखाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि साइफा आर साइकान जो फाइलम पोरिफेरा से रिलेटेड टॉपिक हैं, जिन्हें हम स्पंज के नाम से जानते हैं, तो फाइलम पोरिफेरा में जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में आपको जो है मेनी पोर्स पाए जाते हैं, और मेनी पोर्स की वजह से उनको हम छिद्रद्रेही प्राणी भी कहते हैं। और एक तरीके से ये वाटर को कैसे रेगुलेट करते हैं बॉडी में, तो इसमें आपके मेनी पोर्स, ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम पाए जाते हैं। उसी के आधार पे हम अब जो टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं वो है साइफा आर साइकान। तो साइफा आर साइकान में जो इनका कॉमन नेम है, द कॉमन नेम ऑफ साइफा आर साइकान इज अर्न स्पंज। ये वाटर स्पंज वेसल्स, इट इज कॉल्ड ऑफ द स्पंज, क्राउन स्पंज। साइफा इज कॉमनली नोन एज अर्न स्पंज। साइफा इज कॉमनली नोन एज अर्न स्पंज, ए वाटर स्पंज वेसल्स कह सकते हैं। और इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्राउन स्पंज के नाम से भी जान सकते हैं। और आप जानते हैं कि स्पंज, आप देखे हैं कि कुछ स्पंज डेड, जैसे आप सोफा वगैरह में स्पंज लगाते हैं या सीट कवर में लगते हैं, जो डेड स्पंज हैं। बाकी तो ये मेनली आपके जो मेराइन स्पंज होते हैं। तो सबसे पहली बात, हम इसको साइफा आर साइकान में पहला पॉइंट जो है आपका सिस्टमेटिक पोजीशन है, आपका क्या है सिस्टमेटिक पोजीशन, सिस्टमेटिक पोजीशन। तो फाइलम पोरिफेरा क्लास, फाइलम पोरिफेरा क्लास कैल्केरिया ऑर्डर हेट्रोसिला, जीनस साइफा। तो यहाँ पे ये आपका स्टूडेंट सिस्टमेटिक पोजीशन है। सिस्टमेटिक पोजीशन मीन्स होता है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण हम इसलिए बताते हैं कि ये जो फाइलम पोरिफेरा है, इससे जो रिलेटेड एनिमल्स आएंगे उनका हम वर्ग, जाति, वंश सभी जो है इसके आधार पे बता सकते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि संघ पोरिफेरा, वर्ग कैल्केरिया, गण हेट्रोसिला, जीनस साइफा।
तो अब जीनस पे हम आपको जो साइफा है इसमें जाति का कोई निर्धारण नहीं किया गया किस जाति पे हम स्टडी करेंगे, तो जीनस जो वंश है वो साइफा बताया गया है। अब मेनली बात ये है कि इसमें जो आपका साइफा वर्ड है, जो साइफान साइकान वर्ड है, जो साइफा और साइकान है उसका ग्रीक वर्ड भी है, तो हम आपको साइफा का जो ग्रीक वर्ड है स्काइफोस SKYPHOS साइफा स्काइफोस मीन्स होता है आपका कप, मतलब कि वह कप के आकार का होगा। साइफोस जो कि ग्रीक वर्ड स्काइफोस मीन्स होता है कप, कप मतलब प्याले के आकार का जो इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर हमने बताया बनाया है ये है आपका साइफा साइकान का स्ट्रक्चर। इसमें आपको हमने जो बताया कि मेनी पोर्स में आपके डर्मल ओस्टिया होते हैं आस्कुलम होते हैं, जो कि डर्मल ओस्टिया की सहायता से एनिमल शुद्ध वाटर को फीड करता है और आस्कुलम द्वारा जो है जितने भी बॉडी में शुद्धता है जितने भी वेस्ट मटेरियल उसको आउट करता है। अब यहाँ पे बात आई कि वर्गीकरण के बाद जो सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद आता है हैबिटेंट हैबिटाट, तो हैबिटेंट हैबिटाट मीन्स होता है एनिमल का स्वभाव स्थान कि एनिमल्स कहाँ पे पाए जाएंगे, किस वाटर में पाए जाएंगे, इनका मुख्य भोजन क्या है और ये कैसे जल को ग्रहण करते हैं, तो आपको हैबिटेंट हैबिटाट में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो साइफा इज ए मेराइन स्पंज विच इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बट इज द बेस्ट नोन फ्रॉम द नॉर्थ एटलांटिक सोर्स, मीन्स साइफा आपके मेराइन फॉर्म्स में पाए जाते हैं, मतलब कि एक तरीके से खारे जल में पाए जाते हैं और ये इनका जो बेस्ट स्पीसीज है जो वंश है वो है साइफा। और साइफा मेनली जो है अकेले रहता है या फिर वो कॉलोनी में भी पाए जाते हैं और इसमें बडिंग होता है, जैसे हमने आपको दिखाया यहाँ पे कि साइफा इज द मेराइन वाटर इज द डिस्ट्रीब्यूटेड द बेस्ट फ्रॉम द नॉर्थ एटलांटिक सोर्स में, ये आपको बेस्ट तरीके से दिखाया गया है। ये साइफा की एक कॉलोनी है स्टूडेंट, साइफा की एक कॉलोनी है और ये कॉलोनी आपके जो है इसमें बडिंग होते हैं। सेसाइल कॉलोनी ऑफ सिलिंड्रिकल इंडिविजुअल आर फाउंड परमानेंट बाय द टेस्ट सबमर्ज रॉक एंड अदर सॉलिड सबस्ट्रेटम इन द सैलो सी वाटर अलॉन्ग द कॉस्ट मेनली। देखिए साइफा समुद्री जल में पाए जाते हैं और इनकी बॉडी समूह में होती है और ये मैंने नॉर्थ एटलांटिक शोर में जो है जो जीनस है इनको बेस्ट माना गया है और ये मैनली तौर पे जो समुद्री जल है वो एक तरीके से स्थानबद्ध पे स्थायी रूप से, जैसे हमने बताया कि सेसाइल कॉलोनी स्थानबद्ध कॉलोनी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, बेलनाकार होते हैं और फाउंड परमानेंट बाय अटैच, एक तरीके से जब ये वाटर में पाए जाते हैं खारे जल में पाए जाएंगे तो कहाँ पे स्थायी रूप से ये रहेंगे, तो वहाँ पे ये सबमर्ज मतलब कि रॉक पे अटैच होते हैं या अदर सॉलिड सबस्ट्रेटम या अदर सॉलिड जो सरफेस होगा जो सैलो वाटर मतलब सैलो वाटर छिछले जल पे समुद्री जल में जो छिछला जल होता है वहाँ पर ये आसानी रूप से जो है किसी सॉलिड मटेरियल से जो है चिपके रहते हैं अटैच रहते हैं और एक तरीके से आप तो पास किनारा कह सकते हैं कि समुद्र के किनारे पे, जैसे हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे एक ये क्या है आपको सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम ये किसी सबस्ट्रेटम पे किसी आधार से किसी सॉलिड आधार से चिपके रहते हैं स्टूडेंट्स। हमने कहा ना कि साइफा आर फाउंड इन मेराइन वाटर्स, साइफा आर साइकान खारे जल में पाया जाता है, यह अकेले रहता है या कॉलोनी में पाए जाते हैं, अगर कॉलोनी में है तो सेसाइल है एक स्थान पे स्थानबद्ध कॉलोनी में होगा या
फिर ये अगर खारे जल में पाया जाता है तो जहाँ पे खारे जल का जो किनारा होता है, समुद्र का जो किनारा होता है, उस किनारे पे छिछले जल पे किसी सॉलिड मतलब किसी ठोस आधार से, जैसे वह चट्टान से या किसी सॉलिड प्लांट से, वह एक तरीके से अटैच्ड रहता है। स्टूडेंट्स, बात समझ में आई होगी कि साइफा इज द कॉमनली नोन एज द अर्न स्पंज। साइफा को हम अर्न स्पंज भी कहते हैं या क्राउन स्पंज भी कहते हैं, कि साइफा को क्राउन स्पंज के नाम से जानते हैं, साइफा को हम अर्न स्पंज के नाम से जानते हैं। साइफा का जो ग्रीक वर्ड है वह स्काइफोस है, स्काइफोस मीन्स होता है कप। साइफा इज द फाउंड मैराइन वाटर्स, इट इज द सॉलिटरी आर कॉलोनी। द साइफा इज द अटैच्ड ऑफ द रॉक अदर सॉलिड सबस्ट्रेटम। तो ये तो रहा हैबिट एंड हैबिटाट, कि साइफा एक खारे जल में पाया जाता है और यह समुद्र के किनारे छिछले जल पे किसी ठोस आधार से चिपके रहते हैं, जैसे चट्टान, या चट्टान के अलावा कोई सॉलिड स्टोन होगा उससे भी चिपके रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जो कि हमने आपको यहाँ बताया भी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ साइफा इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज शेप, सेकंड पार्ट इज साइज, थर्ड पार्ट इज कलर, शेप साइज एंड कलर। अब साइफा का हमने जनरल स्ट्रक्चर बनाया है, अब ये जनरल स्ट्रक्चर जो है आपके सामने है। अब इनमें शेप, शेप की बात आती है, आकार क्या होगा, साइज माप क्या होगा, और कलर मतलब ये किस रंग का होगा। तो स्टूडेंट, जो शेप है साइफा और साइकान फॉस इज ए वास शेप्ड एंड ए रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी। जो साइकान की बॉडी होती है वह वास शेप्ड होगी। वास मतलब एक फूलदान के आकार की, एक पुष्प के आकार का, एक पुष्प के पूरे शेप, जैसे पुष्प ढेर सारे फूले हुए होते हैं, उसी शेप का ये साइकान होता है। और इनकी बॉडी एक अरीय में होती है, रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी या अरीय सममित में होगा। साइकान की जो बॉडी का आकार है वह एक फूलदान की तरह, और यह अरीय सममित में पाया जाता है। सेकंड, साइज मीन्स माप होता है, इट इज मेजर अबाउट 1-3 सेंटीमीटर हाइट। यह साइकान का जो हाइट है, जो लंबाई है, वह आपका 1-3 सेंटीमीटर, 1-3 सेंटीमीटर हाइट, HEIGHT हाइट लंबाई होती है, एंड 5-6 mm इन डायमीटर, 5-6 मिलीमीटर इनका व्यास होता है, डायमीटर। जो ये पॉइंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पार्ट आपका 5-6 mm मिलीमीटर इनका व्यास होता है। थर्ड पॉइंट, कलर, द कलर इज नॉट स्पेसिफिक बट वेरीज फ्रॉम ग्रे टू लाइट ब्राउन कलर। तो मीन्स छात्रों, जो इनका रंग है वो कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन इसमें जो देखने से पता चलता है वह ग्रे टू लाइट ब्राउन, ग्रे कलर का होगा या लाइट ब्राउन कलर का इनका जो है रंग होता है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजी की बात आई, शेप साइज एंड कलर, देखिए शेप जो हमने आपको दिखाया कि इस शेप को देखिए, साइकान के बॉडी का जो है स्ट्रक्चर है, कॉलोनी है, एक कॉलोनी है जिसमें बडिंग भी है, और ये आपका जो कॉलोनी भी दिखाया गया कि साइकान की बॉडी एक कॉलोनी में रहती है और कॉलोनी में बड भी होते हैं। एक तरीके से हम हैबिट और हैबिटाट में कह सकते हैं, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल होता है। तो जो एसेक्सुअल होगा तो वहाँ पे बड के द्वारा होता है, जो सेक्सुअल होता है वहाँ पे गैमेट के द्वारा मतलब दिखाया जाता है।
और उसके द्वारा ही इनका रिप्रोडक्शन होता है। अब जो यहाँ पे मार्फोलॉजी की बात आई, तो मार्फोलॉजी मीन्स होता है एक्सटर्नल मार्फोलॉजी मीन्स वाह आकार की, तो एनिमल का वाह आकार की जो है कि वाह आकार में तीन स्ट्रक्चर दिखाई दिए, शेप, साइज और कलर। जो शेप होता है वह वास शेप्ड होता है, और जो साइज है वह 3 to 1 to 3 centimeter आपका लेंथ होता है, और जो क्या कहते हैं कि इनका जो व्यास है वो 5 to 6 mm होता है। जो कलर है उनका ग्रे टू लाइट ब्राउन कलर होता है। तो स्टूडेंट ये आपके एक्सटर्नल मार्फोलॉजी का जो स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं, और इसमें मेनली जो आपका अभी हमने सिस्टमेटिक पोजीशन को बताया, तो सिस्टमेटिक जो पोजीशन है आपको हमने दिखाया कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस आपको दिखाया, हैबिटेट एंड हैबिटाट में भी दिखाया, और एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में हमने दिखाया। अब बात यह है कि एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में अब मैनी जो है कि पोर्स पाए जाते हैं, जैसा कि हमने डर्मल ऑस्टिया दिखाया और आस्कुलम दिखाया। डर्मल ऑस्टिया का जो लैटिन वर्ड है ऑस्टियम होता है। ऑस्टियम मीन्स होता है टू डोर। अब इस जो डर्मल ऑस्टिया है इसकी सहायता से वाटर जो है कि बॉडी के अंदर समाहित होता है, और इस आस्कुलम की सहायता से जो वाटर है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो शरीर से बाहर होता है। स्टूडेंट तो एक तरीके से जो इनका सामान्य स्ट्रक्चर है, जो सामान्य संरचना है, इसमें आपके स्पिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। आपको जो बॉडी में स्पिक्यूल्स एनिमल्स जो आपके हैं साइकान में, इसमें कैनाल सिस्टम जो पाया जाता है, उसमें 3 types के स्पिक्यूल्स होते हैं, मोनाएक्सान, ट्राइएक्सान और टेट्राएक्सान स्पिक्यूल्स। मोनाएक्सान, ट्राइएक्सान एंड टेट्राएक्सान स्पिक्यूल्स। जो मोनाएक्सान स्पिक्यूल्स है इसमें सिंगल रेज पाए जाते हैं, जो आपका ट्राइएक्सान है उसमें 3 जो है आपके रेज होते हैं, जो टेट्राएक्सान है उसमें आपके 4 rays पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो अभी स्पिक्यूल्स का काम ये होता है कि यह बॉडी की सुरक्षा करता है। जितने भी आपके स्पिक्यूल्स होते हैं वो एक तरीके से जैसे आपके मीसेनकाइम है और क्वेनोसाइट सेल्स हैं और पिनेकोडर्म सेल्स हैं, तो ये स्पिक्यूल्स अदर एनिमल्स से सुरक्षा करने के लिए पाए जाते हैं, जो कि 3 types होते हैं, मोनाएक्सान, ट्राइएक्सान एंड टेट्राएक्सान स्पिक्यूल्स। और अब इसके साथ साथ ही आप देखिए कि जो मार्फोलॉजी की बात है, जो एक्सटर्नल रूप से हम देख रहे हैं, आप इसमें जो क्या कहते हैं आस्कुलम भी दिखाई दे रहा है, ऑस्टिया भी दिखाई दे रहा है, और यह देखिए किसी बेस से चिपके होते हैं, जो कि ये सब आपके हैबिट, हैबिटाट और एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के अंतर्गत ही आ रहे हैं। तो एक तरीके से स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि यह आपकी जो कॉलोनी है, और साइकान बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरीके से स्पंज का यूजेस बहुत ज़्यादा हम लोगों के लाइफ में होता है, कि स्पंज हम लोग अपने घरों में, और एक तरीके से जापान में लोग इसको स्पंज को सजावट के रूप में यूज करते हैं। तो एक तरीके से बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है स्पंज का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आपको कैनाल सिस्टम बताएंगे। तो कैनाल सिस्टम देखिए, फाइलम पोरिफेरा में जो कैनाल सिस्टम है वो आपके 3 types होते हैं, एस्कॉन टाइप, लेकॉन टाइप और साइकॉन टाइप। एस्कोनॉइड, लेकोनॉइड एंड साइकोनॉइड टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं स्टूडेंट। तब कैनाल सिस्टम जो आपको हम हिंदी में कह सकते हैं कि नाल तंत्र होता है, और नाल तंत्र में आपके जो है कि साइकान टाइप का कैनाल सिस्टम साइकान में होता है। अगर यही ल्यूकोसाल्या होता तो वहाँ पे ल्यूकान टाइप का कैनाल सिस्टम होता। इस तरीके से छात्रों जो कैनाल सिस्टम है, तो साइकान में फाइलम पोरिफेरा में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो कैनाल सिस्टम होता है, नाल तंत्र। और नाल तंत्र का जो काम होता है वह एक तरीके से कैसे बॉडी में वाटर प्रवाहित होता है, फ्लो होता है, जैसे कि हमने आपको बताया अभी जो ये क्या कहते हैं कि आस्टिया आस्कुलम है, तो हम इसको आपको बताने चल रहे हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैनाल सिस्टम ऑफ साइकान। अभी हमने आपको कैनाल सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे,
अब यहाँ पे कैनाल सिस्टम मीन्स होता है नाल तंत्र। स्टूडेंट्स, जो नाल तंत्र है, तो नाल तंत्र का मतलब है कि बॉडी के अंदर किस तरीके से वाटर का सर्कुलेशन होगा, तो वो कैनाल सिस्टम में यहाँ पे साइफा का कैनाल सिस्टम बता रहे हैं। साइफा और साइकॉन, तो साइफा में जो कैनाल सिस्टम होगा वो साइक्लॉयड टाइप का कैनाल पाया जाता है। तो बॉडी ऑफ साइफा इज ऑर्गेनाइज्ड इन इट सच ए मैनर एज टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पोर, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पोर एंड द कैनाल। दिस सिस्टम इज जनरली रेफर्ड टू एज कैनाल सिस्टम, ए एक्विफेरस सिस्टम। बॉडी वॉल हैज द इसेंशियली द सेम सेलुलर लेयर पिनेकोडर्म एंड कोनोडर्म विद द नॉन सेलुलर जिलेटिनियस मेसेनकाइम एज बिटवीन। साइफा हैज द साइक्लॉयड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। साइफा इज द साइक्लॉयड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। वेरियस कंपोनेंट ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ द साइफा आर साइकान। तो साइकान की बॉडी में जो सिस्टम होता है कैनाल का, वो साइक्लॉयड टाइप होगा और इसमें विभिन्न जो कंपोनेंट से मिल करके इनका इस कैनाल सिस्टम का निर्माण होता है। तो जैसे इसमें जो विभिन्न कंपोनेंट्स आपके हैं, ऑस्टिया आर डर्मल फोर्स, सेकंड इन करंट कैनाल, थर्ड प्रोसोपाइल, फोर्थ रेडियल कैनाल, फिफ्थ एपोपाइल, सिक्स स्पंजोसील, सेवन आस्कुलम और एट है करंट ऑफ वाटर। ये टोटल कैनाल सिस्टम में 8 कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं, जिसका हर एक कंपोनेंट का अलग अलग फंक्शन है। कि जैसे डर्मल ओस्टिया का क्या फंक्शन है, आस्कुलम का क्या फंक्शन है, और इन करंट कैनाल, रेडियल कैनाल, इन सब का क्या फंक्शन है। अभी आपको हमने दिखाया कि साइकान सिस्टम में साइकान में जो कैनाल सिस्टम का जो टाइप है वो साइक्लॉयड टाइप का है। जैसा कि हमने फिगर में भी आपके कैनाल सिस्टम को दिखाए हैं, यहाँ पे देखिए सबसे मेन बात ये है कि आस्कुलम, आस्कुलर फ्रिंज, आस्कुलम, रेडियल कैनाल, स्पंजोसील, एपोपाइल, मेसेनकाइम, पिनेकोडर्म, कोएनोडर्म, स्प्योल, सबस्ट्रेटम। मतलब कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो कैनाल सिस्टम है, इसमें जैसे पहला पॉइंट जो ऑस्टिया की बात आती है, तो ऑस्टिया देखिए इसका लैटिन वर्ड है ऑस्टियम। तो हमने आपको बताया भी था कि जो ऑस्टिया है, ऑस्टिया डर्मल पोर, ऑस्टिया का जो लैटिन वर्ड है ऑस्टियम, ऑस्टियम मीन्स होता है डोर, और डोर मीन्स होता है दरवाजा। मीन्स किसी भी एनिमल्स में अगर ये डर्मल पोर है, तो उस पोर का मतलब ये है कि कोई फ्रेश वाटर या फूड मटेरियल जो है अंदर की तरफ, एक तरीके से ऑस्टिया जो होता है इनग्रेस ऑफ वाटर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो है इनग्रेसिंग करता है, मीन्स उसका प्रवेश कराता है, अंदर ले जाने का काम करता है। तो ऑस्टिया जो आपके यहाँ हमने दिखाया है, आपके जो ऑस्टिया है, आपके जो मेसेनकाइम, एपोपाइल, स्पंजोसील, रेडियल कैनाल, या जो आपके ऑस्टिया है डर्मल ऑस्टिया, तो ऑस्टिया का जो काम है, जैसे ये आपके आस्कुलम है, तो ऑस्टिया का जो काम होता है वो क्या करता है, बॉडी के अंदर मीन्स आपके आउट से, जैसे आउट से इन की तरफ, आउट से इन की तरफ जो है वाटर को सर्कुलेट कराता है। यहाँ हमने आपको दिखाया भी है, द एक्सटर्नल ग्रूव ऑफ बॉडी सरफेस आर स्ट्रेच्ड ओवर बाय थिन पोर मेम्ब्रेन। तो यह बॉडी के एक्सटर्नल ग्रूव में जो है, एक्सटर्नल सरफेस पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं, और यह ऑस्टिया की सहायता से इट बियर्स टू आर मोर ओपनिंग फॉर द इनग्रेस ऑफ आउटसाइड वाटर इनटू द बॉडी स्पंज। मीन्स कि स्पंज के आउटसाइड, जो स्पंज की बॉडी है उसके आउटसाइड में जो वाटर है उसको इनग्रेस मीन्स अंदर की तरफ ले जाने का काम ऑस्टिया का होता है। साइड ऑफ वाटर इनटू द बॉडी स्पंज, द पोर आर नोन एज ऑस्टिया डर्मल पोर। जो ये पोर है उसको हम ऑस्टिया के नाम से जानते हैं।
दीज पोर आर कॉल्ड ऑस्टियर डर्मल पोर। जैसा कि हमने बताया कि डर्मल पोर जो ऑस्टिया आर डर्मल पोर, ऑस्टिया का लैटिन वर्ड ऑस्टियम और ऑस्टियम मीन्स होता है टू डोर। टू डोर मतलब जैसे मान लीजिए अदर एनिमल्स हैं जैसे किसी मकान में रह रहे हैं तो क्या होता है कि जब कोई डोर होता है दरवाजे होते हैं तो जैसे ही ओपन हुआ प्राणी अंदर चला जाता है और डोर क्लोज हो जाता है और जैसे ही उसको बाहर निकलना आता है डोर ओपन हो जाता है और प्राणी बाहर चला जाता है। उसी आधार पे यहाँ पे क्या है कि डर्मल ओस्टिया की सहायता से शुद्ध वाटर बॉडी के अंदर जाता है, शुद्ध वाटर बॉडी के अंदर जाता है, प्रवेश करता है, इनग्रेस करता है। और अभी इसमें जो एक पोर और होता है आस्कुलम, जो आस्कुलम की बात आई, आस्कुलम की सहायता से इम्प्योर वाटर अशुद्ध वाटर जो है शरीर से बाहर निकलता है। तो स्टूडेंट्स जो पहला पॉइंट था ऑस्टिया, ऑस्टिया का लैटिन वर्ड आप जरूर याद रखिएगा तो लैटिन वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा कि ऑस्टिया का मतलब क्या होता है, ऑस्टिया का वर्क क्या है। कैनाल सिस्टम में ऑस्टिया का बहुत ही बड़ा फंक्शन है, ऑस्टिया से ही शुरुआत होता है टू आउटसाइड इन ग्रेस ऑफ वाटर विद डायरेक्शन इन द ऑस्टियम। अब नेक्स्ट पॉइंट है इन करेंट कैनाल, दूसरा क्या आता है ऑस्टिया के बाद आता है इन करेंट कैनाल। इन मतलब आप जानते हैं अंदर की तरफ जो कैनाल होंगे उनको हम इन करेंट कैनाल कहेंगे। और इन करेंट कैनाल का वर्क क्या है, दीज कैनाल आर द इनवेजिनेटेड फोल्ड ऑफ द बॉडी वॉल आर आल्सो कॉल्ड इनहेलेंट कैनाल। मीन्स जो आपके इनवेजिनेटेड फोल्ड जो ये फोल्ड हो रहे हैं, आपको हमने आपको यहाँ पे दिखाया भी है कि रेडियल कैनाल है आपके और ये जो आपके इन करेंट कैनाल अंदर की एपोपाइल है, इसके बाद आपके इन करेंट कैनाल जो ये आपके आपके इन करेंट कैनाल हैं, इन करेंट कैनाल। अब इन करेंट कैनाल का काम इनवेजिनेटेड फोल्ड ऑफ द बॉडी वॉल आर आल्सो कॉल्ड इनहेरेंट कैनाल बीच कम्युनिकेट विदाउट साइड थ्रू ऑस्टिया बट एंड ब्लाइंडली एट देयर द इनर एंड पिनेकोसाइड लाइन दीज कैनाल थ्रू आउट। तो इन करेंट कैनाल में पिनेकोसाइड और पिनेकोडर्म लेयर पाए जाते हैं जो आपके नॉन फ्लैजलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे जो इन करेंट कैनाल है, अब ओस्टिया क्या करता है, केवल बॉडी में वाटर को प्रवेश कराता है और इसके बाद ओस्टिया के बाद इन करेंट कैनाल में वाटर सर्कुलेट करता है। इन करेंट कैनाल के बाद फिर आता है प्रोसोपाइल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रोसोपाइल, जो प्रोसोपाइल होता है वो उसका ग्रीक वर्ड है प्रोस प्लस पाइल। प्रोस मीन्स होता है नियर और पाइल मीन्स होता है गेट। मीन्स इन करंट कैनाल के गेट के पास जो आपका होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसोपाइल कहेंगे। एपोपाइल है, स्पंजोसील है, प्रोसोपाइल्स हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे जो प्रोसोपाइल हैं मेनली आपके पेरमिशन टाइम स्पंजोसील और आस्कुलम रेडियल, जैसे यहाँ पे जो प्रोसोपाइल्स है तो प्रोस प्लस पाइल, प्रोस मीन्स नियर और पाइल मीन्स गेट होता है। तो इन करंट कैनाल कम्युनिकेट, इन करंट कैनाल जब कम्युनिकेट करता है तो विथ रेडियल कैनाल इंटरसेलुलर स्पेस कॉल्ड प्रोसोपाइल। जो इंटरसेलुलर स्पेस जहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये स्पेस है, जो स्पेस बन रहा है ये क्या है आपके प्रोसोपाइल है। और प्रोसोपाइल का जो काम होता है वो मेनली आपके जो है नियर गेट की तरफ जो है इंटर्ड कराते हैं। जैसे हमने कहा कि ऑस्टिया से आउटसाइड से वाटर अंदर की तरफ गया, इनग्रेस किया, फिर इन करंट कैनाल में गया। इन करंट कैनाल से जैसे ही आपके मूविंग करता है इन करंट, ऐसे ही यहाँ पे प्रोसोपाइल है। और प्रोसोपाइल का जो वर्क है वो क्या करता है कि जो इन करंट कैनाल है वो जैसे ही इंटरसेलुलर स्पेस है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसोपाइल। अब अगला है रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल इवेजिनेटेड ऑफ द बॉडी वॉल फ्रॉम द थिम्बल शेप्ड चेंबर लाइंड बाय द फ्लैजलेटेड पेनोसाइड दी चेंबर आर कॉल्ड जो है कि रेडियल कैनाल।
एक तरीके से हम कह सकते हैं इमेजिनेटेड डेप्थ फोल्ड होता है बॉडी में, और वहाँ पे आपके रेडियल कैनाल्स जो होते हैं, जो क्वेनोडर्म सेल्स पाए जाते हैं, क्वेनोसाइट सेल्स या क्वेनोडर्म सेल्स, और उसी चेंबर को हम क्या कहते हैं, रेडियल कैनाल कहते हैं। अब जो रेडियल कैनाल आपके हैं, रेडियल कैनाल मेनली आपके इन करंट एंड रेडियल कैनाल आर पैरेलल एंड अल्टरनेट विथ ईच अदर आज वर्टिकली एंड रेडियली। रेडियल कैनाल एंड ब्लाइंडली एट दीज देयर आउटर एंड बट लीड टू देयर इनर एंड जो सीम। अब क्या करता है कि जो मेनली हमारा रेडियल कैनाल है वो आपके एपोपाइल की तरफ जाता है। अब जो एपोपाइल है, एक तरीके से स्टूडेंट एपोपाइल, एपोपाइल का जो ग्रीक वर्ड है एपो प्लस पाइल। अगला पॉइंट जो आपके हमने आपको पांचवा है एपो, एपोपाइल आपका नाम है एपोपाइल, एपोपाइल का ग्रीक वर्ड है एपो प्लस पाइल। एपो मीन्स होता है अवे और पाइल मीन्स होता है गेट। मीन्स रेडियल कैनाल के पास में जो वेज होता है और वहाँ पे अवे जो रास्ते होते हैं, रास्ते की तरफ जो गेट बने होते हैं वहाँ पे इंटर कर जाता है एपोपाइल्स में। अब जैसे एपोपाइल्स का जो डिफिनीशन है वो है ओपनिंग ऑफ द रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल जैसे ही ओपन होता है इन द स्पंजोसील आर कॉल्ड एपोपाइल्स। इंटरनल ओस्टिया दीज आर द सराउंडेड बाई द रेडियल कैनाल्स आर द कॉन्ट्रेक्टाइल मायोसाइट सर्विंग एज इन टू द स्पंजोसील। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है स्पंजोसील, इट इज अ लार्ज सेंट्रल कैविटी ऑफ बॉडी फॉर्मिंग द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो स्पंजोसील बड़ा होता है, सेंट्रल कैविटी है और उसी को हम क्या कहते हैं, और सिलेंडर एक तरीके से बेलनाकार है और बेलनाकार है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पंजोसील। और इसका ग्रीक वर्ड है आपका ये स्पंजोसील का ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड स्पंजोसील का ग्रीक वर्ड स्पंजोस, स्पंजोस प्लस कोलियोस, स्पंजोस प्लस कोलियोस के ओ या लाई ओ एस। स्पंजोस मीन्स स्पंज और कोलियोस मीन्स होता है आपका मेल हालू हालू। तो स्पंज मतलब कि आपका हालो कैविटी, ऐसे स्पेस होंगे जो हालो कैविटी होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्पंजोसील कहेंगे। इन ल्यूकोसोलिया स्पंजोसील इज लाइंड ऑफ फ्लैजलम पॉलर सेल क्वेनोसाइट इन स्काइफा द क्वेनोसाइट लाइंड द रेडियल कैनाल वेयर द स्पंजोसील इज अलाइंड विद द एपिडर्मल पिनेकोसाइट। अब स्पंजोसील में पिनेकोसाइट सेल्स हैं। और उसके बाद देखिए स्पंजोसील्स क्या है कि आपका बीचों बीच जो ये पार्ट है इस पर स्पंजोसील पूरा इन करंट कैनाल रेडियल कैनाल के ज़्यादा पूरा एक तरीके से कंट्रोलिंग कर लेता है स्पंजोसील, वहाँ जाके स्टोर्ड हो जाता है। स्टूडेंट अभी हम आपको जो कैनाल सिस्टम बता रहे हैं, जैसे आपने ओस्टिया पढ़ा और इन करंट कैनाल प्रोसोपाइल रेडियल कैनाल एपोपाइल, इस तरीके से जब अब आप स्पंजोसील पढ़े, स्पंजोसील के बाद आस्कुलम आता है तो कैसे वो बॉडी में रेगुलेट करा रहा है। अब स्पंज जो आस्कुलम है तो आस्कुलम को डेफिनेशन आप देख लीजिए कि आस्कुलम किसे कहते हैं, स्पंजोसील लीड टू आउटसाइड, स्पंजोसील लीड टू आउटसाइड थ्रू ए टर्मिनल ओपनिंग कॉल्ड आस्कुलम। तो स्पंजोसील का जो एक तरीके से आउटसाइड जो भाग है वहाँ जब टर्मिनल करता है मुड़ता है तो उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, आस्कुलम कहते हैं। और द आस्कुला आर प्रोवाइडेड विथ स्फिंक्टर टू रेगुलेट द रेट ऑफ वाटर फ्लो इन द बॉडी। स्फिंक्टर आर लाइंड बाय द स्पेशल कॉन्ट्रेक्टाइल पिनेकोसाइट कॉल्ड मायोसाइट। ग्रीक वर्ड मायोसाइट का भी है मायो प्लस कीटोस, मायो मीन्स होता है
मसल्स और क्यूटोसिस होता है सेल्स, इसका मतलब यह है कि जो मसल वाले सेल्स होते हैं उसमें आपके क्या है आस्कुलम कहलाता है। आस्कुलम का हमने एक बात और बता दिए कि आस्कुलम का फंक्शन जो है, अभी हमें अब देखिए ऑस्टिया की आया था, ऑस्टिया का मतलब होता है कि वह वाटर को जो है डोर की सहायता से मतलब अंदर की तरफ ले जाता है, और आस्कुलम क्या है स्पंज सेल उसको थ्रोविंग करता है आस्कुलम को, मीन्स जो आपके मायोसाइट जो सेल्स है जो अंदर के जो मसल सेल्स हैं वो वेस्ट मटेरियल को आस्कुलम को देता है। जैसे स्पंज सेल क्या है आस्कुलम, और आस्कुलम क्या करता है आउट ऑफ बॉडी करता है, मतलब कि जो वाटर वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से बाहर करने का काम जो है आस्कुलम करता है, जो कि आस्कुलम बॉडी का एक बहुत महत्वपूर्ण है ऑर्गन्स है। जैसे ऑस्टिया महत्वपूर्ण है वैसे आस्कुलम है, और कैनाल सिस्टम में ऑस्टिया और आस्कुलम का बहुत ही महत्व होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑस्टिया से वाटर इंग्रेस होता है और आस्कुलम से वाटर इग्रेस होता है, मीन्स शरीर से बाहर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है करंट ऑफ वाटर, तो करंट ऑफ वाटर के लिए हम आपको एक डायग्रामेटिक एक आरेख के द्वारा आपको दिखाएंगे। तो हम आपको अब लास्ट पॉइंट आस्कुलम के बाद करंट ऑफ वाटर की बात करेंगे। तो करंट ऑफ वाटर में हमने डायग्रामेटिक आपको आरेख बना करके जो है आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले जो कैनाल सिस्टम में कैसे वो सर्कुलेट करता है वाटर को, तो सर स्टूडेंट्स हम आपको लास्ट जो पॉइंट है कैनाल सिस्टम का करंट ऑफ वाटर, तो उसमें हम अभी तक तो आपको डेफिनेशन के माध्यम से बताया, अब ये कैसे सर्कुलेशन करेगा इस कैनाल सिस्टम का जो हमने फिगर बनाया है, तो उसको हम एक आरएफ के द्वारा जो है आपको बता दे रहे हैं। तो वाटर फ्रॉम आउटसाइड, वाटर क्या है जैसे साइकान आपके मेराइन फॉर्म्स में पाए जाते हैं, तो जो समुद्र का जो जल है वो वाटर साइड वाटर फ्रॉम आउटसाइड बाहर है थ्रो डर्मल ओस्टिया, किसकी सहायता से थ्रोविंग करेगा डर्मल ओस्टिया। अगर डर्मल ओस्टिया की सहायता से वाटर क्या होगा इनग्रेस होगा बॉडी के अंदर जाएगा, जैसा हमने यहाँ बताया कि वाटर बाहर से इनग्रेस करेगा तो थ्रो डर्मल ओस्टिया, डर्मल ओस्टिया की सहायता से वाटर बॉडी के अंदर समाहित होगा। इसके बाद डर्मल ओस्टिया के बाद फिर इन करंट कैनाल में वाटर प्रवेश करेगा। अब इन करंट कैनाल में वाटर की जितनी कैपेसिटी है उतना लेने के बाद वह जो है कि थ्रो करेगा रेडियल कैनाल में। तो यहाँ इन करंट कैनाल में पिनाकोसाइट सेल्स होते हैं उसकी सहायता से जो है थ्रो करेगा प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल के हमने बताया कि प्रोस प्लस पाइल, प्रोस जो ग्रीक वर्ड है प्रोसोपाइल, प्रोस मीन्स होता है नियर हाउस, पाइल मीन्स होता है गेट, मतलब कि जो इन करंट कैनाल के पास जो रास्ता जो गेट होगा उसकी सहायता से वह रेडियल कैनाल में वाटर को पहुँचाएगा। अब रेडियल कैनाल में जब वाटर पहुँच गया तो वहाँ पे फिर वो एपोपाइल की सहायता से थ्रो एपोपाइल, एपोपाइल का हमने ग्रीक वर्ड भी बताया एपो प्लस पाइल, एपो मीन्स अवे और पाइल मीन्स गेट, तो वह जो है कि एपोपाइल की सहायता से स्पंज सील में वाटर जो है सर्कुलेट होता है जाता है। तो स्पंज सील जो आपको बताया कि स्पंज सील में जाएगा, और स्पंज सील में आपकी एक हॉलो कैविटी है, एक खोखला जो कैविटी है स्पंज का, वहाँ पे क्या होगा कि वाटर स्टोर्ड होता है। स्टोर होने के बाद स्पंज सील फिर थ्रोविंग करता है आस्कुलम, आस्कुलम की सहायता से तो टू आउटसाइड। अब ध्यान दीजिएगा वाटर फ्रॉम आउटसाइड से इन में होता है इन अंदर की तरफ, और यहाँ आस्कुलम की सहायता से टू आउटसाइड बाहर निकलता है। ये तो आपका जो आरेख है इसके द्वारा आपको जैसे पांच पॉइंट हमने बताया टोटल, ऑस्टिया, इन करंट कैनाल, प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल, एपोपाइल, स्पंज सील, आस्कुलम, करंट ऑफ वाटर, तो सबके इसकी सहायता से, और सबका निचोड़ आपको इसमें है जो आपका ये पॉइंट है सबसे बड़ा निचोड़ आपका यही है जिसके आधार पे हम
करंट ऑफ वाटर कैसे वाटर को प्रवाहित करते हैं बॉडी के अंदर, स्पंज के अंदर कैसे वाटर प्रवाहित होता है, तो सबसे पहला पॉइंट है वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इन थ्रू डर्मल ओस्टिया। डर्मल ओस्टिया की सहायता से वाटर बॉडी के अंदर जाता है, इसके बाद इन करंट कैनाल में पहुंचता है। इन करंट कैनाल में पिनेकोसाइट्स सेल्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करने के बाद जो बचा हुआ वाटर होता है वह प्रोसोपाइल्स की सहायता से रेडियल कैनाल में पहुंचते हैं, और रेडियल कैनाल से बचा हुआ वाटर जो होता है एपोपाइल्स की सहायता से स्पंजोसील में पहुंचते हैं, और स्पंजोसील में जितना भी वाटर है वह बॉडी में इंग्रेस कराया, बॉडी में प्रवाहित कराया, उसके बाद जो बचा हुआ वाटर्स है वो उसके साथ जो अशुद्धियाँ हैं वो क्या करता थ्रो आस्कुलम, आस्कुलम की सहायता से आउटसाइड जो है शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट और है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन स्पंज बॉडी इज अमाउंट अबाउट 0.01 एमएम पर सेकेंड। कितना होता है रेट 0.01 एमएम पर सेकेंड, ये आपके बॉडी में फ्लोविंग का काम कराता है, फ्लो कराता है कि 0.1 एमएम पर सेकेंड स्पंज की बॉडी में वाटर जो है सर्कुलेट करता है, फ्लो करता है इस रेट से कि 0.01 एमएम पर सेकेंड के रफ्तार से या पूरे बॉडी में जो है वाटर प्रवाहित करता है। अब नेक्स्ट जो आपका ये पॉइंट हमने आपको बताया, तो यहाँ पे कैनाल सिस्टम की बात आई, तो एक बार हम आपको रिवाइज कर दे रहे हैं कि कैनाल सिस्टम ऑफ साइकान इज साइक्लॉइड टाइप, कैनाल सिस्टम ऑफ साइकान इज द रेट ऑफ फ्लो वाटर इन पर सेकेंड 0.0 एमएम, इस रफ्तार से बॉडी के अंदर वाटर फ्लो करता है। और बाकी हमने आपको जो पॉइंट बताया कि डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया की सहायता से समुद्र का जो जल है वह बॉडी के अंदर जाता है, इन करंट कैनाल में वो अंदर की तरफ सर्कुलेट कराता है, फिर प्रोसोपाइल एपो रेडियल कैनाल एपोपाइल या स्पंजोसील आस्कुलम करंट ऑफ वाटर, जो करंट ऑफ वाटर है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, इसकी सहायता से आप शॉर्ट कट में समझ सकते हैं छात्रों। तो शॉर्ट कट में आपको बस इतना ही पॉइंट अगर याद रहे तो आप करंट ऑफ वाटर आप स्पंज बॉडी में कैसे फ्लो कराएंगे तो आपको दिखाए ही है। इस तरीके से आपका जो ये आज का हमारा टॉपिक था साइकान और साइफा, ये में जो हमने आपको हैबिट एंड हैबिटाट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और कैनाल सिस्टम को बताया, और कैनाल सिस्टम में साइकान में साइक्लॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है, और हम आपको ये बता दिए कि जो ये कैनाल सिस्टम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक आज का जो कैनाल सिस्टम था यहीं पे अंत होता है। नमस्कार।